भक्तों का हार्दिक अभिनंदन आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़ी है। यात्रा प्रारंभ होने से कई दिन पूर्व बंधु बाहर से आएंगे, उनकी सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा पूरा साथ देता है, जिसमें कि प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं, यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये सभी भक्तों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो बूढ़ा अमरनाथ जी का एक ऐसा स्थान था जो विश्व व्यापक है, जो पूरे विश्व की धरोहर है, तो इस यात्रा को जो अंजाम दिया, तो पिछले 18 साल से लगातार वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से भारतवर्ष के हर प्रांत से, चाहे वो आसाम से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तमिलनाडु से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, बॉम्बे से हो, महाराष्ट्र, गुजरात, आप देख लें, हजारों की तादाद में हर वर्ष यहाँ पर यात्री आते हैं। और इस स्थान की एक तो रिलीजियस तीर्थ यात्रा है, क्योंकि अमरनाथ का यहाँ पर सुगम है, दर्शन बहुत ही है अच्छी है, और दूसरा इस स्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यात्रा में जब हजारों लोग जाते आते हैं तो पुंछ से, मंडी से हजारों किस्म की चीजें जो है यहाँ से ले जाते हैं। तो यात्रा का दो मकसद है, एक तो तीर्थ यात्रा है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, भक्तों की अभिलाषाएं पूरी होती हैं, और दूसरा आस्पेक्ट है यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की आर्थिक अवस्था को ठीक करना, और तीसरा जो इसका आस्पेक्ट है कि जो यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज में है उनको एक बहुत बड़ी बूस्ट मिलती है। तो मेरा ख्याल आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में बिना मजहब मिल्लत यहाँ पर जितने भी यात्री आए हैं लगातार 3 दिन से उनका स्वागत। देखिए, ये यात्रा जो है ये आज से 20-22 साल से ये शुरू है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट से ये यात्री यहाँ पे आते हैं। और देखिए, आज से 2 दिन पहले जब ये यात्रा का पहला आरंभ हुआ यहाँ पे, उसमें तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिलकर उनका स्वागत किया और वेलकम किया। और ये पुंछ है ये बुड्ढा अमरनाथ यात्रा में, तो आपके माध्यम से ये कहूँगा आपके चैनल के हवाले से कि सही बुड्ढा अमरनाथ यही जो राजपुर मंडी में है, और इसकी शायद जितनी हो कम है, और हम ये आपकी राय से अपील करेंगे हिंदुस्तान के वजीर आजम से, होम मिनिस्टर से और डॉक्टर गुरु साहब से कि इसको ये यात्रा सही यात्रा यही है, बुड्ढा अमरनाथ यात्रा ये है। यहाँ पे बिना लिहाजो मजहब मिले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद छड़ी होती है, स्वामी जी यहाँ पे फाड़क में होते हैं, तो ये सब लोग मिलजुल के इस यात्रा को कामयाब करते हैं, मंडी में जाते हैं, रजौरी से आती है, पीर पंजाब खिता वेलकम करता है, जम्मू खिता करता है, तो ये एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में कि वहाँ पे भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, देश की एकता और अखंडता की बातें होती हैं। और ये यात्रा इस लिहाज से बहुत इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि बुड्ढा अमरनाथ यात्रा हर साल जब होती है ना, तो एक ये मैसेज दी जाती है भाईचारे। जय सिया राम जी। यहाँ आए से, गुजरात से आए हैं हम, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है, सभी जगह से आर्मी वाले भैया है, पुलिस वाले भैया है, सब हमारी व्यवस्था में लगे रहे हैं। मेरा नाम मुकेश है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मैं दूसरी बार आया हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और एक माँ एक बच्चे को प्रेम देती है, उस प्रकार से ये आके लोग हमें प्रेम दे रहे हैं, और यहाँ की पोर्ट्स प्रॉपर एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के हिंदू भाई है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करना चाहूँगा एकत्रित हो, और बढ़िया एक संदेश जाता है। जय श्री राम। मैं रवि जोशी, कपड़न जिला बजरंग दल सहयोग, गुजरात से हूँ। हमारे गुजरात से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं बजरंग दल द्वारा, और ये यात्रा बहुत अच्छी चल रही है अभी तक, जो भी प्रशासन द्वारा सुरक्षा का प्रबंध हेतु जो भी हमें सुरक्षा हेतु मिले हैं वो भी बहुत अच्छे मिले हैं। खास तरह एक सुरक्षा बंधन हेतु हमने जो आर्मी जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाई वो भी एक अनोखा अनुभव रहा, और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम भी रहा, और आगे तक की यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसे सबको भी शुभकामनाएं।